अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। रागी, अब एक दिन राजा दुर्योधन घोड़ा के घोड़सार में जब रोजना ले लेते काबर की पांडव मोर से आगे बढ़ा थे, पांडव ला कैसे मारो कह के राजा दुर्योधन चिंता के सागर में डूबे रहे थे। वो समय मामा शकुनी जाके और अपन दोनों हाथ ला जोड़ के कहते, हाथी जोड़ी पैया लागत सुन भाचा मोरे बात बोली बचन निकल लागत है, हाथी जोड़ी पैया लागत सुन राजा मोरे बात बोली बचन निकल लागत है, का हो गे भाचा कब सुते हट गया, अगर यही बचन ला बता देना ये बता देना भाई ये दे जी, अगर तोरे बचन ला बता देना भाई ये दे जी। मामा के बात ला सुन के राजा दुर्योधन कहे, मामा जी अरे पांडव के रहना मोर लिए बहुत बड़े बीमारी हो गए है, पांडव ला कैसे मारो ऐसे मोर मन में सोचा था, अगर पांडव मर जाए तब मोला चैन के नींद आई और मोर पेट में मोला भूख लगी तो मैं कस के भोजन खाऊं और चैन के नींद सो हूं, ऐसे बात है। ऐसे बात ला सुन के मामा शकुनी कहे, अरे तो दो मिनट की बात है भाचा, बस मोला आदेश भर दे मैं का नहीं कर दूं। हाँ हाँ ठीक है मामा, अगर ते पांडव ला मारना चाहतस तो जल्दी से खत्म कर दे मोला चैन के नींद आई। तो मामा शकुनी कहे, नहीं धीर लगा के वो काम ला करे लगतेगा, जल्दी जल्दी करबे ना तो काम गड़बड़ हो जाते, तो धीरे से कैसे करबो, लक्ष्य भवन ना वरुण नगर में लक्ष्य भवन बनवा देथन और पांडव ला रहे बर वही जगह दे देथन, मौका पा करके मोरे आगीला लगा देगा, मोरे आगी लगा दे भाई, मोरे आगी लगा देगा मोरे कहा न लगे भाई, मोरे लक्ष्य भवन में भैया गा, मोरे आगी लगा दे भाई, मोरे जल के मोरे पाँचो यद भाई गा, मोरे मरिए दे जाही भाई। उषा घर में गायन का माहौल था, वहीं बीते 45 साल से अब तक 12 से ज्यादा देशों में पंडवानी की विधा प्रस्तुति दे चुकी है। पंडवानी लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियां गाई जाती हैं। पांडव से We'll be right back.